please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल किसान आंदोलन में 6 किसानों की मौत पर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 6 जून को मंदसौर रैली से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर में सभा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। राज्य के गृह मंत्री के मुताबिक 1 से 10 जून के समय किसान के नाम पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, लेकिन आंदोलन में हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश को जो शांति का टापू है हिंसा के क्षेत्र के रूप में परिणित करना चाहती है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किए आज तक कहीं नहीं हुए हैं। 6 जून 2018 को माननीय राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, किसान सभा को संबोधित करेंगे और किसानों का आंदोलन वहाँ पर जो 1 जून से गांवबंदी का 10 जून तक चलेगा उसका हम उनको समर्थन करेंगे। राहुल गांधी की 6 तारीख के लिए सभा तय हुई, श्रद्धांजलि के लिए सभा, उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने 30 तारीख की सभा तय कर ली, तो क्या मतलब मंदसौर के नाम पर राजनीति? देखिए मुख्यमंत्री जी तो बस हमेशा मंदसौर जाते रहते हैं, पर राहुल गांधी जी चूँकि चुनाव है मध्य प्रदेश में इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उनका उद्देश्य कोई श्रद्धांजलि करना नहीं है, उनका उद्देश्य वहाँ पर जाके राजनीति करना है, किसानों के नाम पर राजनीति करना है, इसके लिए वो आ रहे हैं। ये किसान आंदोलन के लिहाज से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पीछे है, तैयारी क्या है सर गृह विभाग की? देखिए गृह विभाग में हमेशा अलर्ट रहता है और हम लोग हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सतर्क रहते हैं, ऐसी अलग से कोई हमारी तैयारी नहीं है। जैसी सतर्कता हम लोगों की हमेशा रहती वैसी अभी भी है और कहीं पर भी कोई अगर आंदोलन के नाम पे हिंसा करने की कोशिश करेगा तो उसको पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।